एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है जो समंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मेंढक है, और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है, और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई खतरा नहीं है। तो वो गिद्ध वहाँ उस टापू पर भरपेट मछलियाँ, मेंढक और केकड़े खाते हैं, और दो दिन तक वो सारे गिद्धों का झुंड उसी टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ गई थी और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सारा सब कुछ उन्हें बिना मेहनत के उस टापू पर ही मिल रहा था और वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से वापस चलने को कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है और तकरीबन जब एक साल के बाद वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस आया तो उस टापू का नज़ारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। ये देखकर वो बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सब इस टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा जहाज इस टापू पर आया और उस जहाज से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा ज़्यादा वजन होने की वजह से हमसे उड़ा नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमज़ोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है, और जिस इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ मुश्किलें आती रहती है असल में वही इंसान जिंदा है, और जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, यही हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अब आप हमें Facebook, Instagram और X Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में तीनों सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर हमें फॉलो ज़रूर करिए।